नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि अगर आप जो हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मेसी या एम फार्मेसी के लिए जाना चाहते हो तो आप कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी कॉलेज का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल। क्योंकि किसी भी कॉलेज से अगर फार्मेसी कोर्सेज कर रहे हैं तो उसका जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना जरूरी है। साथ में बात करूँ कि आपको अप्रूवल चेक करते टाइम किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, किसी भी कॉलेज का अप्रूवल चेक करने के लिए आपको आना है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। सिंपली गूगल में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया लिखिए, आपको जो वेबसाइट जो है यहाँ पे आ जाएगी। वेबसाइट है pci.nic.in, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। आपको आना है इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपको जो है मिलेगा यहाँ पे एक लिंक, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मिलेगा अप्रूव्ड कॉलेजेस। ठीक है, अप्रूव्ड कॉलेजेस के अंदर आपको जिस भी कोर्स का चाहिए, ब्रिज कोर्स का चाहिए, डिप्लोमा का चाहिए, आपको जो है डिग्री का चाहिए, फार्मा डी का चाहिए, ठीक है, तो उनका आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देखना है, यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, अप्रूव्ड डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12 और डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कंडक्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको दो टाइप के अप्रूवल जो है देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 12 का और दूसरा मिलेगा कोर्स ऑफ कंडक्ट का। अब दोनों ही अप्रूव्ड होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, लेकिन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, जो अंडर सेक्शन 12 वाला है उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो एक परमानेंट अप्रूवल उसको बोल सकते हो, एंड जो कॉलेज जो है अंडर सेक्शन 12 से जो अप्रूव्ड हैं उन कॉलेज से अगर आप जो है डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम करते हो तो आप जो है एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड सेकंड जो है कोर्स ऑफ कंडक्ट का, उसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल तो दे दिया होता है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ चीज़ें जो है पेंडिंग होती हैं कॉलेज वाले साइड से। वो किसी स्टेट का NOC हो सकता है, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी जैसे स्टेट बोर्ड रहता है या फिर यूनिवर्सिटी रहती है, उनसे एफिलिएशन का सबमिशन पेंडिंग रहता है, तो वो सारी चीज़ें अभी सबमिट करने को रहती हैं PCI से। अब PCI में ये बोलता है कि ये चीज़ों को सबमिट करने के बिना जो है कॉलेज एडमिशन्स नहीं ले सकता है, और अगर कॉलेज फेल हो जाता है इन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने में तो वो PCI अपना अप्रूवल विदड्रॉ कर लेगा। तो अप्रूवल चेक करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है अंडर सेक्शन 12 वाला कॉलेज लेना है या फिर कंडक्ट वाला कॉलेज लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो या आप कोर्स कर रहे हो या आपने कर लिया है तो आप जो है यहाँ पे जा करके यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका कॉलेज अंडर सेक्शन 12 के अंदर आता है या ओनली फॉर कंडक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है कॉलेजेस का, वो स्टेट वाइज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कब से कब तक का अप्रूवल मिला हुआ है, ऑलरेडी मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है कॉलेज, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप सिंपली यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो कंडक्ट वाला है उसका भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी कि कोर्स जो कंडक्ट के लिए अभी अप्रूवल मिला हुआ है तो क्या रिक्वायरमेंट्स अभी बेसिकली पेंडिंग चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेटस मिलता रहेगा कि क्या क्या हायरिंग हुई, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है कॉलेज ने मांगा है, कितनी सीट्स हैं अलॉक करी गई हैं, कौन से ईयर के लिए, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो दोस्तों, ये था वीडियो कि आप कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी कॉलेज का फार्मेसी कोर्सेज के लिए अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों में क्लियर कर दी कि एक अंडर सेक्शन 12 वाला अप्रूवल क्या रहता है और कोर्स ऑफ कंडक्ट वाला अप्रूवल क्या रहता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा अप्रूवल आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, तो आपके उसी के अकॉर्डिंग जो अपना कॉलेज चूज करना है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।